Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. सो उड़ानिया से भी पहले शो का ख्याल सरगुन को आया था, और जब उसने पहली दफ़ा डिस्कस भी किया था तो बोथ ऑफ अस फेल्ट दैट दिस शो इज़ वन दैट हैज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक रेजोनेंस. हर कोई निजी तौर पे शो के साथ कनेक्ट करेगा और इस शो का रेलेवेंस अपने लाइफ में देख पाएगा. सो हमारा इंटेंशन तो इसको काफ़ी पहले लाने का था, लेकिन इसकी एक अपनी डेस्टिनी है. देयरफॉर नाउ 28th ऑफ फरवरी ऑनवर्ड्स आपके समक्ष होगा, एंड यू विल बी एबल टू सी इट ऑन कलर्स टीवी 8:30 PM ऑनवर्ड्स मंडे टू फ्राइडे. नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है, इसलिए क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं जानता मैं जिसमें कभी ना कभी बच्चों और माँ बाप के बीच मनमुटाव ना हुआ हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हुआ हो. तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की या उस जनरेशन गैप की कहानी, उस जनरेशन गैप पे किसी की एक्सक्लूसिविटी नहीं है, ना मेरी ना तुम्हारी. लेकिन ये घटना कभी ना कभी तुम्हारे घर में भी घटी होगी, मेरे घर में भी घटी. तो वही मैंने कहा, ये बड़े निजी तौर पे ऑडियंस इसके साथ में कनेक्ट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी निजी तौर पे उन्होंने अनुभव किया है इस चीज़ का. सो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी गलत बात है. और दूसरा, इसका तो पहला एपिसोड तक नहीं आया, अभी आपने प्रोमो ही देखा है, शो देखा ही कहाँ आपने. जब आप देखेंगे तब पता चलेगा. मैं सच बताऊँ तो जो काम आपको भा रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, वो कठिन नहीं होता. तो उस कठिनाई में आप मज़ा, सुख, संपन्नता, वो सब ढूंढ लेते हैं. सो दोनों ही काम सेटिस्फैक्शन देते हैं, संतुष्टि देते हैं. तो कठिन होने से ज़्यादा अगर कोई चैलेंजेस इन कार्यों में कोई चैलेंजेस अगर आते भी हैं, तो भी वो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, सीखने की नई अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, और रोज़ एक नई बात सीखते हैं, एक नई चीज़ सीखते हैं. बस यही कहूँगा कि आप लोगों ने अनकंडीशनल और बे इंतहा मोहब्बत करी है, बे इंतहा प्यार किया, करते रहिए, क्योंकि वी आर मेड ऑफ दैट लव एंड वी आर मेड ऑफ दैट वार्मथ.